Like my channel. Please click the subscribe button. Press the bell icon for no. होने वाला है और मैं इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी जितेंद्र जी को. हमारे टीम के बहुत स्पेशल सदस्य हैं हम और वेब में कदम रखे हैं पहली बार, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. और साथ ही साथ हमारी प्यारी ससुराल सिमरता की जो विलन थी जिन्होंने मुझे बहुत सताया है, हमारी खुशी और ज्योत्सना प्रोड्यूसर बन गई है और उनके पति ने ये डायरेक्ट किया है नितेश ने. एंड आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर. एंड आई थिंक ओके अभिका आपसे जानना चाहेंगे, दीपिका जीत गई है बिग बॉस का सीज़न, तो क्या कहना चाहूँगी? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दीपिका दीदी फाइनली जीत गई. एंड मैं वो जब घर से घर में जा रही थी मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही थी कि आप रोटी के साथ ही वापस आ रही हो, मैं आपको जानती हूँ, मेक मी प्राउड. लेकिन कहीं ना कहीं लोग आते ट्रोल भी कर रहे हैं उन्हें, तो उसके बाद भी करते हैं ट्रोलिंग तो होगी, वी कांट रियली कंट्रोल दैट. वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है लोगों को तो उसे थोड़ा कम ब्राइट करने की कोशिश करते हैं, बट डजंट रियली मैटर, इट डजंट मैटर टू मी, डजंट मैटर टू हर, आई एम श्योर. सो या दीपिका ऑलवेज विल रॉक. ओके यही नहीं, खतरों के खिलाड़ी कल से ऑन एयर होने वाला है, सो कल से हाँ खतरों के खिलाड़ी आ रहा है आपकी स्क्रीन पर. प्लीज़ बहुत मेहनत की हम लोगों ने, सारी चोटें खाई हैं वो भी आपको पता चलेगी. किसी के साथ में जिस तरीके से इंडिया में एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट बनना चाहिए? सबसे पहले स्टूडेंट में आवाज़ मारो ये सर. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जो हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं वहाँ पे एनीथिंग लाइक दिस स्टोरी अगर आप दे रहे हो तो मतलब बुलाने की ज़्यादा कि लुक्स क्योंकि हमसे भी जान लेते हैं, बट वी लिटरली ग्रोन अप सीइंग हिम, यू नो, उनके शोज देख के हम बड़े हुए हैं. एंड डिजिटल में जब कोई ऐसा एक्टर आता है डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलता है, वेरी एक्साइटेड. बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड दैट डिजिटल इज द नेक्स्ट बिग थिंग, आप देख रहे हैं डिजिटल ही चल रहा है एंड डेब्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मेरा दोस्त भी हमारा दोस्त आर्मी से वो भी डेब्यू कर रहा है इसके साथ एंड वी वेरी हैप्पी, वी वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंड एंड ऑल्सो इन दिस वे. एंड I'm sure it's good, yeah, because Ariman, जब इस बारे में शूट कर रहा है, I was listening about couple of scenes and generally अच्छा काम कर रहा है, so I'm really looking forward. और ट्रेलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. It's very thrilling, and you want to know कि अब क्या होगा, so it's really looking forward. Of course, congratulations to her. I don't know her personally, but this season मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था. Frankly, starting से भी कुछ ऐसा हर बार क्या होता कि जब when you watch a season तो आप किसी न किसी character से attach हो जाते हो. मैं नहीं कह रहा कि मेरे से लोग attach हुए या इससे attach हुए, but किसी ना किसी से अटैच हो जाते हैं. बट इस सीज़न में मुझे कोई वो इस कंटेस्टेंट से स्पार्क नहीं था, वो अटैचमेंट मुझे हुई नहीं, सो मैं फॉलो नहीं कर पाया. बट आई थिंक लास्ट मैंने कहीं पे किसी कहीं पे मैं था जहाँ पे मैंने बोला था, मुझसे पूछा गया था कौन जीतेगा, तो मैंने दीपिका का ही नाम लिया था. क्योंकि जितना भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए जो वीडियोज़ देखने को मिल जाती है उससे मुझे लगा था दीपिका जीत सकती हूँ, जितने बचे हैं उनमें से. फिर ना बट श्रीशांत मेरे को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था उन पर, जब आई थिंक वो करणवीर बोरा से जब उनकी लड़ाई शुरू हुई थी, सो आई रियली फाउंड इट वेरी 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 वियर्ड. और मैंने एक दो ट्वीट भी कर दिए थे उनके फैन से, बड़ी गालियाँ पड़ी थी, बट उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा था. एंड आई बींग अ क्रिकेटर, बींग अ फास्ट बॉलर, आई वॉज ऑलवेज अ श्रीशांत फैन, तो बिग बॉस मैन डिफेक्ट है कुछ मतलब. बट यू नो देन आई लाइक ठीक है यार, बिकॉज अब मैं घर में रहा हूँ तो मुझे पता है क्या होती है चीज़ें, सो यू नो गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट. बट ओके दीपिका को काफ़ी डिग्निफाइड भी कहा गया है, लेकिन दूसरी जगह पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है विनिंग के बाद, तो क्या कहना चाहूँगा?
बहुत ही मैं फ्रैंकली कोई नहीं होता इस पर कमेंट करने वाला, बिकॉज मैं खुद उस घर में रहा हूँ, मुझे उसके घर की असलियत पता है. और वो यही है कि आप जो 24 घंटे में करते हो उसकी 45 मिनट की हाईलाइट दिखाई जा रही है. अब वो चैनल पे डिपेंड करता है वो उस कैरेक्टर को कैसा दिखा रहे हैं. एज सिंपल इज दैट. आई डोंट फील बैड और एनीथिंग अबाउट यू नो सेइंग दिस, बट दैट्स द ट्रूथ. चैनल जैसा दिखाना चाहता है. अगर वो चाहते थे कि सुयश राय किशोर का झुलुका गुलाम दिखे तो वो दिखाया है उन्होंने. सो एंड देव जेन्युइनली सक्सीडेड इन इट. जब मैं बाहर आया तो मुझे पता ही नहीं था भाई, मैं तो ट्रिप कर रहा था, मेरे का बिग बॉस बाहर आया तो कह रहे झुलुका गुलाम यार ये. देन आई रिलेटेड कि सलमान भाई बोलते थे झुलुका गुलाम. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दैट्स हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग इट आउटसाइड. So it's very stupid to comment on what at the end of the day she's the winner and I'm sure she deserves it. And uski kismat pe likha ke aayi thi ki wo Bigg Boss 12 tha, correct? 12 karegi aur wo jeetegi. And at the end of the day that's what matters. Kasoti ki baat kare, jis tarike se dekha jaye India ke andar acting sikhane ke liye bahut zyada institute hai, schools hai. Aapko ye lagta hai production sikhane ke liye acting kaise sikhana chahiye? Bhai production ek aisi cheez hai is industry mein 10 saal ho gaye. Kya karoge production? इट्स इसमें आप कुछ सिखा नहीं सकते. आई मीन आई एंड ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू नो कि किस टाइप के प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं. डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन यू टॉकिंग अबाउट. आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा प्रोडक्शन. बहुत सारा प्रोडक्शन नहीं, आई मीन मतलब प्रोडक्शन में बहुत सारा काम होते हैं, जैसे कि एक्टिंग हो गई. एक्टिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं. प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से मैंने देखा कि मतलब विस्लिंग वर्ड्स हो गया एक उसमें से फिल्म मेकिंग और वो सब का जो सी इट रियली डिपेंड्स. कि फ्रेंकली मैंने आज तक कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया. मेरे को 10 साल हो गए मैंने एक्टिंग कोर्स आज तक नहीं किया. बट इट्स समथिंग विच इज़ इन यू, आप कर करके आ जाती हैं. एंड आई थिंक सिमिलरली आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ आपको ऐसे सिखाई जा सकती है, especially इस फील्ड में. यू बी देर, यू डू इट एंड यू लर्न एज सिंपल एज दैट. सो आई डोंट नो हाउ टू बी हेल्प समवन, दैट्स व्हाट आई थिंक. कसौटी के इनिशियली स्टेज में जब स्टार्टिंग में कम रेटिंग आ रही थी, लोग ट्रोल भी कर रहे थे, तो किस तरह से रिकवर किया आपने आप लोग? ये तो आप ही बताइए. या इसमें हम कुछ नहीं सी, बट अब यही है कि कसौटी के इनिशियली हमें पता था कि इतनी कसौटी का जब स्टार्ट हुआ था बहुत हाइप थी, उस हिसाब से हमारी टीआरपी नहीं आई थी. वी ऑल वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं. और अब आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द लीडिंग शोज एंड वी आर वेरी हैप्पी. अब 2.7 थी, अभी न्यू ईयर की वजह से थोड़ी सी कम है, बट वी नो कि ऊपर आएगी. एंड कसौटी जैसे पहले बहुत बड़ा हिट गया था, आई एम श्योर सूनर और लेटर ये भी जाएगा फॉर श्योर. I'll tell you something. मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा, not that I watch the show or I know anything about the show. All I know is Sahil is doing it, Parth is doing it and Ekta ma'am has made it. जब भी आप किसी एक ब्रांड को वापस लाते हो, इट्स ऑलवेज इट्स अ चैलेंज टू गेट इट बैक देयर जहाँ पे आपने छोड़ा था. एंड स्पेशली कसौटी, कसौटी की हम बात कर रहे हैं जब टीवी पे 21 और 22 की टीआरपी आती थी. आज हम 2.7 की टीआरपी को वन ऑफ द टॉप शोज बोलते हैं. सो कसौटी वो शो है जिसने 22 की टीआरपी देखी, तो ऑब्वियसली शो को वहाँ लाना बहुत ईजी नहीं होता. बट आई थिंक देर वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री यू कैन एक्चुअली डू इट एंड आई थिंक एकता इज वन ऑफ इट, वन ऑफ देम. एंड लाइक देखा है दोस्त लोग बहुत सारे दोस्त देखे हैं ऑफिसर पर, उनको दूर दूर से देखा बिना बताए उन्हें. प्लस मैंने बहुत सारे कॉप्स के इंटरव्यूज पढ़े देखे, कुछ यू नो छोटे छोटे न्यूएंसेस रखने की कोशिश की है, जहाँ यू नो दे टेक पॉजेस एंड दे बोलते कुछ और है करते कुछ और, तो यू नो वो सब थोड़ा सा करने की कोशिश की. बहुत सारे कॉप आए, दबंग, सिंघम, अभी सिम्बा भी आया, क्या कहेंगे उनसे, कुछ इंस्पिरेशन लिया आपने? नहीं, वो थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉप्स हैं वो स्टार कॉप्स हैं. हमारा एक थोड़ा सा हमने थोड़ा रियल रखने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो रियल नहीं है, बट लिबर्टी लेते हैं बहुत सारी चीज़, इसमें हम उतनी लिबर्टी नहीं ले सकते. जितना क्लोज टू रियल रख सके उतना रखा. राइट, अब बिग बॉस से जुड़े हुए हैं, दीपिका कक्कर जीत चुकी है बिग बॉस, क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप, क्योंकि उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, तो आपका क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन भी देखना और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट करना तो. बट लेकिन इसी क्या है कि टू ईच इज ओन, जो जिसको जैसा सोचना है वो सोचे, बट वहाँ जाना, उस घर में रहना और यू नो इतने टाइम तक सही रहना बहुत बड़ी बात है. यू शुड एटलीस्ट उतना तो लोगों को कंसिडर करना. ओके, लास्टली कुछ कहना चाहिए?
बाइटी मत करो, हाथ दुख रहा है यार, पागल है क्या? सर यहाँ पे, सर यहाँ लेफ्ट, सर लेफ्ट।